एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक झील थी। झील के किनारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। फलों के पेड़ पर एक बंदर रहता था और झील में मगरमच्छ। दोनों में गहरी दोस्ती थी। बंदर रोज फलों के पेड़ से फल गिरा कर मगरमच्छ को खिलाता और बदले में मगरमच्छ उसे घुमाने ले जाता। मगरमच्छ पेट भर के फल खाता और बाकी के फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। इसी प्रकार बंदर रोज फल देता और मगरमच्छ उसे अपनी पत्नी के लिए ले जाता। मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों ही फलों को बड़े ही चाव से खाते और खूब खुश रहते। बंदर रोज मगरमच्छ की पीठ पर सवार होकर पूरे झील की सैर करता और खूब खुश होता। दोनों दोस्त खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी को यह ख्याल आया कि अगर बंदर इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। बस फिर क्या था, मगरमच्छ की पत्नी अब गुस्सा होकर मगरमच्छ से जिद करने लगी कि वह बंदर को उनके पास ले आए। मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और वह बोला कि यह मुमकिन ही नहीं कि वह अपने मित्र को उसके पास लेके आएगा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से साफ साफ मना कर दिया कि वह बंदर को नहीं लाएगा। लेकिन पत्नियों से कौन जीत सकता है, और मगरमच्छ मजबूर हो गया कि वह बंदर को किसी भी तरह अपनी पत्नी के पास ले आए। दूसरे ही दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हें घर बुलाया है। यह सुनकर बंदर उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बोला, चलो आज भाभी से मिलेंगे। मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठा कर चल पड़ा। झील के बीच जाकर उसने बंदर से कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है और इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारी भाभी रूठ गई है। मगरमच्छ की बात सुनकर बंदर के होश उड़ गए, पर वह शांत रहा और कुछ सोचने लगा। बंदर ने मकर से कहा कि यार पहले बताना चाहिए था, मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मुझे वापस ले चलो तो मैं कलेजा साथ ले चलता हूँ। मकर बंदर की बातों में आ जाता है और वह बंदर को किनारे ले जाता है। जैसे ही मकर किनारे पहुँचता है, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और मकर से कहता है, मूर्ख तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कलेजा तो हमारे शरीर में ही होता है। इसी तरह अपनी बुद्धि से बंदर अपनी जान बचा लेता है। किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत आने पर अपनी बुद्धि का उपयोग करके मुसीबत का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।